आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है, अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ व्हाइट स्क्रीन बाय प्लेसिंग द फ्लेम एट वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। ही नोटेड हिज ऑब्जर्वेशन एज। तो कहा गया है कि एक स्टूडेंट ने कन्वेक्स लेंस के साथ कैंडल फ्लेम का इमेज वर्सेस डिस्टेंस का ऑब्जर्वेशन दिया, जो ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे दिया गया है। अब कहा गया है व्हिच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा सेट इनकरेक्ट है। तो अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उससे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस है, जो कि 30 सेंटीमीटर है। ये चीज़ कब होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पोल। तो अगर 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मतलब क्या है, जो फोकस है वो 15 सेंटीमीटर पर है, पर टेबल में जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है फ्लेम वो 15 सेंटीमीटर पर है, पर उसका जो इमेज है वो 70 सेंटीमीटर पर फॉर्म हुआ है। अब ये वाला जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट फोकस में हुआ तो उसका इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है। कहाँ पर फॉर्म होता है, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हुआ तो इमेज इन्फिनिटी पर होता है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पर है पर इमेज इन्फिनिटी पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये गलत है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो ऑप्शन टू है, U इक्वल टू 15 एंड V इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।